नमस्कार, टीएनएन 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो साथों साथ नागपुर में भी आज का छठा रोज़ा मनाया जा रहा है। हम इस वक्त हैं मोमिनपुरा में, जहां हमने देखा है कि अभी रोज़ा इफ्तार का वक्त हो चुका है। 6:36 का ये रोज़ा इफ्तार का आवाज़ें आ रही हैं उस मस्जिद से कि रोज़ा इफ्तार कीजिए। मैं आपको बता दूं कि मोमिनपुरा पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है, लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है, अन्य आवश्यक जो चीज़ें हैं खाली वही यहाँ खुली नज़र आ रही हैं। मैं आपको दिखा दूं जामा मस्जिद वाला जो रोड है, ये भी आपको दिखा दूं कि यहाँ भी पूरी तरह से ये लॉकडाउन का पालन करते हुए यहाँ के लोग और रमज़ान की इबादत के साथ लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये मोमिनपुरा एक ऐसा मोमिनपुरा है जो कभी बंद नहीं होने वाला, लेकिन कोरोना काल को बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ कहीं ना कहीं पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। पिछली बार भी हमने देखा है कि कई बार सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनलों में बार बार मोमिनपुरे का नाम आया करता था कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन इस बार ये कोरोना लास्ट में जो कोरोना काल का जो मुहिम चल रही है, इसमें कोरोना काल के मोमिनपुरा वासी जो है वो पालन करते हुए नज़र आ रहा है। अजान सुनिए, ये अजान हो रही है। ये 6:36 की वो अजान जो सुबह 4 बजे से इफ्तार करने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, दिन भर 13 से 14 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद खोलने का समय है 6:36 पर। ये रमज़ान के इस पवित्र महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़े रखते हैं, वो समय है ये खोलने का, जिसके अजान के इशारे पर मुस्लिम समुदाय अपने रोज़े को खोलता है और अल्लाह से दुआएं करता है कि इस मुबारक महीने के इस रमज़ान में कोरोना काल को ख़त्म कर दिया जाए। और ये मोमिनपुरा वासी आज यहाँ कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।